हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, रेलवे का सफ़र हुआ महंगा, यानी टिकट में फेयर बढ़ गया है, किराया बढ़ गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, जो 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। किसमें? नॉन एसी ट्रेन में, एसी ट्रेन में और साथ में मेल एक्सप्रेस ट्रेन जितने हैं उसमें, और ये टिकट पे लागू हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2020 से। हालांकि ये फेयर इंक्रीज अभी IRCTC की वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके लिए सर्कुलर जारी हो गया है, जिसमें जैसा जैसे फेयर इंक्रीज हुआ है उसका डिटेल आ चुका है। तो ये डिटेल देखिएगा, तो ये रेलवे से लिया हुआ है, जिसमें आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, महाराष्ट्र जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहला अच्छा खबर है शहरी क्षेत्रों वाले के लिए। पर किलोमीटर के हिसाब से अगर देखें तो ऑर्डिनरी एसी और सब अर्बन ट्रेन का 1 पैसा बढ़ गया है, मेल एक्सप्रेस में 2 पैसा पर किलोमीटर और एसी क्लास में 4 पैसा पर किलोमीटर। सारे जितने भी है चेयर एसी में अगर आप देखें तो एसी में भी चेयर कार, 3 AC, थ्रू टायर और फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी और ये वाले सारे सेक्शन में 4 पैसे बढ़े हैं। तो और सिंपल सी एक मैथमेटिक्स अगर लगाते हैं तो अगर आप 1000 किलोमीटर सफ़र करते हैं और नॉर्मल ट्रेन से चलते हैं, यानी नॉर्मल से सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास या ऑर्डिनरी से चलते हैं, जो ट्रेन मेल और एक्सप्रेस की श्रेणी में नहीं आता है, तो आपको 10 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास से मेल एक्सप्रेस में चलते हैं जो नॉन एसी है, तो आपको 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, और एसी में करते हैं तो 40 रुपये आपको ज़्यादा फेयर देना पड़ सकता है इस सर्कुलेशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो थोड़ा सा है, लेकिन नए साल में पहले दिन ही आपको किराया बढ़ोतरी के साथ शुरुआत होगा। तो कल जगिएगा, 1 जनवरी आएगा तो नया साल आपके साथ रेलवे की थोड़ा सा झटका के साथ, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन झटका है। थैंक यू, धन्यवाद।